आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा SBI बैंक में खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब सभी फसलों की मिलेगी MSP, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकार का बड़ा फैसला, देखिए अब घर में AC है तो अब लगाने होंगे 50 पौधे, मोटरसाइकिल और कार वालों को भी अब मिला है टारगेट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है दो बैंक अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने SBI के करोड़ों ग्राहकों को दी है चेतावनी, इस मैसेज से रहे सावधान, बना लग सकता है तगड़ा चूना। अगर आप या पे आपके घर में किसी का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI में खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। दरअसल सरकार ने करोड़ों खाताधारकों को लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल PIB जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी फास्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर घूम रहे एक मैसेज को लेकर अलर्ट जारी किया है। लिहाजा अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपको जो है सावधान रहने की जरूरत है, छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। लगातार तेजी से बढ़ रहे स्पैम और फ्रॉड के मामलों को ध्यान में रखते हुए PIB ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स जो है नए नए तरीके से लोगों को यहाँ पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो है रिवॉर्ड पॉइंट स्कैम का एक नया तरीका सामने आया है, इसको लेकर जो है ग्राहकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। दरअसल PIB की ओर से जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर मिलने वाले मैसेज से सावधान रहे, इसमें ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ये मैसेज ऐसे लगता है कि जैसे SBI ने भेजा हो, लेकिन ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। SBI कभी भी जो SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए लिंक या फिर एपिक फाइलें नहीं भेजता है। ऐसे में धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए अगात जो फाइलें जो है उनको डाउनलोड ना करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह की किसी भी मैसेज को हमेशा जो है आधिकारिक SBI चैनलों के जरिए सीधा वेरिफिकेशन जो है वो करें। तो PIB ने जो है ये हिदायत यहाँ पर दी है। PIB ने कहा है कि किसी भी तरह के मैसेज को वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी है, इसे आधिकारिक फ़ोन नंबर के जरिए संपर्क करके ही यहाँ पर करें। तो SBI के ग्राहकों के लिए फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों को बड़ा तोहफा, देखिए अब सभी फसलों को अब MSP से खरीदेगी सरकार, 133 करोड़ का बकाया कर्ज भी करेगी माफ। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल राज्य के जो मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उन्होंने कुरुक्षेत्र में किसानों के हित में अनेक घोषणाएं जो है वो यहाँ पर की। CM ने कहा है कि हरियाणा सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें MSP पर खरीदेगी। सरकार पहले MSP पर केवल 14 फसलें जो है वो खरीदा करती थी। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है किसानों का जो यहाँ पर 133 करोड़ का बकाया माफ जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। सैनी जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित एक तानेसर विधानसभा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही भाजपा के हरियाणा विधानसभा के प्रचार की शुरुआत भी जो है उनकी ओर से की गई है। वही एक और बड़ी घोषणा करते हुए CM ने कहा कि 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा के खराबे के 137 करोड़ एक सप्ताह में किसानों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर 2023 तक के आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। बिना शुल्क के बिजली निगमों को द्वारा ट्रांसफार्मर भी जो है बदले जाएंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की बदला सरकार का बड़ा फैसला, घर में AC है तब लगाने होंगे 50 पौधे, मोटरसाइकिल कार वालों को भी मिला है टारगेट। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग राजस्थान में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल 7 अगस्त को हरियाली 30 पर राजस्थान सरकार ने करोड़ों पौधों लगाने का फैसला जो है वो किया है, करोड़ों पेड़ पौधे लगाने का फैसला किया है। इसके लिए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री जो है मदन दिलावर, उन्होंने लोगों से अपील की है। साथ ही इसके लिए विद्यालयों को 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मंत्री दिलावर ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को 5 पौधे, कार चलाने वालों को 10 पौधे और जिनके घर में AC लगा हुआ है उनको 50 पौधे लगाने की अपील की है। वही कार्यक्रम से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि राजस्थान का तापमान 55 डिग्री तक गया था, इस बार राजस्थान का तापमान 47 से कम ही नहीं हो रहा है। अगर 48 से ज़्यादा तापमान होता है तो जिला कलेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह तापमान हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर सुधे नहीं तो मानवता का अस्तित्व जो है खतरे में, इसलिए हमें अपने आप को अपने परिवार को बचाने के लिए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। तो ये राजस्थान में जो है मंत्री मदन दिलावर जो है शिक्षा मंत्री उनकी ओर से कहा गया है। वही एक पेड़ अपने जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर अमाज जो है वो देता है, ऑक्सीजन देकर आसपास के 4 से 5 डिग्री तापमान को कम कर देता है।
वहीं विश्व में जिन 15 शहरों में सबसे अधिक तापमान उनमें 7 राजस्थान के, इसलिए हमारी भूमिका अहम है। तो ये यहाँ पर मंत्री मदन दिलावर की ओर से कहा गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, ट्राई को लेकर बड़ी खबर देखिए। ट्राई के नए नियमों से करोड़ों यूजर्स की मोबाइल सर्विस बंद होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा। ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी ओर से एक राहत वाली खबर दी गई। जैसे अगर आप भी मोबाइल फोन या फिर घर में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल स्मार्टफोन और इंटरनेट आज के समय में एक बड़ी ज़रूरत बन चुका है। हमारे कई सारे काम जो स्मार्टफोन से ही होते हैं, लेकिन कई बार नेटवर्क ना होने की वजह से हमें परेशानी होती है। कई बार तो घंटों तक मोबाइल सर्विस ठप रहती है, इसका नुकसान यूजर्स को उठाना पड़ता है। लेकिन अब जो है इस परेशानी से बचाने के लिए जो है ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई वो जो एक नया नियम लेकर आया है। दरअसल सर्विस बंद होने की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ट्राई जो है ग्राहकों को हित में एक यहाँ पर नया नियम लागू करने जा रही है। ट्राई के नए नियमों ने मोबाइल यूजर्स को मोस कर दिया। दरअसल ट्राई के नए नियमों के अनुसार मोबाइल सर्विस बंद होने पर टेलीकॉम कंपनियों जो है उनको अब अपने ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। दरअसल ट्राई की तरफ से शुक्रवार को सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड नियम जो है वो जारी किए गए। नए नियमों के तहत अगर कोई 24 घंटे से अधिक समय तक के लिए मोबाइल सर्विस बाधित रहती है या फिर ठप रहती है तो अब जो टेलीकॉम कंपनियां जो है उसको अपने ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा। ट्राई का ये नियम जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर दिशा में यहाँ पर मतलब बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियम जो है देश में 6 महीने बाद जो है लागू होंगे। अगर कोई कंपनी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती है तो भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। ट्राई के जुर्माना राशि को ट्राई ने जो है 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल ट्राई को लेकर निकल के सामने आ रही है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यानी एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। आईपैड और आईफोन यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, सरकार ने जारी की है सख्त एडवाइजरी, चाहे ना करे नज़रअंदाज। आईपैड और आईफोन यूजर्स के लिए जरूरी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई। दरअसल केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था ने जो है एप्पल के कुछ प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी खामियों के बारे में जो है बताया है, जो यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CRTIN उसने डिवाइस की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें खासतौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। दरअसल CRTIN जो है यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस प्रक्रिया टीम, उसने कहा है कि इन खामियों का फ़ायदा उठाकर जो हैकर्स जो है यूजर्स के निजी डेटा के साथ छेड़छाड़ी कर सकते हैं और पर्सनल जानकारी में सेंधमारी कर सकते हैं। संस्था ने यूजर्स को स्पूफिंग के प्रति आगाह जो है वो किया है। वह सरकार द्वारा जारी की गई रिस्क वार्निंग में कहा गया है कि इन कंपनियों के कारण आईफोन और आईपैड व कंपनी के दूसरे डिवाइस सॉफ्टवेयर इससे प्रभावित जो है वो हो सकते हैं। ये खामियां जो है अटैकर्स को संवेदनशील जानकारी तक पहुंचाने और अपने हिसाब से डिवाइस के इस्तेमाल करने को परमिशन जो है वो दे सकती है और यहाँ तक कि सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के साथ भी जो है अटैकर्स खिलवाड़ कर सकते हैं। CRTIN ने यूजर्स को एप्पल द्वारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है अपडेशन जो है वो करने की बात कही, यानी अपडेट जो है उसको करने की बात कही है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको इसी तरह की रोजाना सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले मिनट में, तब तक के लिए जय हिंद।